Hi guys, welcome back to my channel. मैं हूँ आपकी दोस्त गरिमा. आज इस वीडियो में मैं प्रोडक्ट रिव्यू करने जा रही हूँ जो मैंने एज अ मदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है एंड मैक्सिमम मदर्स के लिए जो स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. आज मैं यहाँ पर रिव्यू करने जा रही हूँ मेडेला का इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप. ये मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है. जैसे मैंने आपको पुरानी अपनी वीडियो में बताया था, मैंने एक प्रोडक्ट को रिव्यू किया था, दैट वाज कीकोज मैनुअल ब्रेस्ट पंप. तो वो ब्रेस्ट पंप मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने यूज़ किया था. वाई? बिकॉज कि मुझे लगा कि शायद बिकॉज आई एम अ प्राइमी मदर, मेरा फर्स्ट बेबी है तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती. देन आई रियलाइज के जो नेचुरल सकलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस भी हो जाती है. सो आई चोज मेडेला स्विंग फ्लेक्स ब्रेस्ट पम्प और ये इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प है. काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड डेफिनेटली मेडेला के जो ब्रेस्ट पम्प्स हैं स्पेशली इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प्स हैं मार्केट को डोमिनेट करते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ इट्स सुपर क्वालिटी, ईजी टू यूज़, ईजी टू वॉश, ईजी टू हैंडल और आपकी ब्रेस्ट के ऊपर भी बहुत सॉफ्ट रहते हैं. और इसको इस तरीके से मैंने ओपन किया. एक तो आई लाइक अबाउट दिस मेडेलाज ब्रेस्ट पम्प के बहुत ही क्यूट एंड सॉफ्ट कलर है. जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी येलो एंड वाइट कलर है. अब यहाँ पर इसमें क्या क्या दे के रखा हुआ है. यहाँ पर आपको एक मोटर मिलेगी जिससे कि सारा जो पंप है, कनेक्टर्स हैं वो कनेक्ट होंगे. ये राउंड शेप की इस तरीके की मोटर होती है. दिस इज़ दी अडैप्टर. अडैप्टर इसलिए कि इन केस अगर आपको सेल्स नहीं यूज़ करने, सेल्स ड्रेन आउट नहीं करने, तो आप अडैप्टर भी यूज़ कर सकते हैं एंड प्लग इन करके आप फिर उसके अंदर में किसी जगह पर बैठ के और जहाँ पर आपका चार्जर वगैरह लगता है, जहाँ पर अडैप्टर ईजिली लग सकता है, वहाँ पर आप बिल्कुल कनेक्ट करके बैठ कर एंड पम्प कर सकते हैं. इसके थ्रू आप पम्पिंग करते हैं. ये सॉर्ट ऑफ अ पम्पिंग मशीन है. ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सपोर्ट करता है बॉटल को और कनेक्टर्स को. यहाँ पर कनेक्टर होगा, यहाँ पर आपका पूरा रिम आएगी जिसकी वजह से आप अपने ब्रेस्ट के ऊपर उसको कम्फर्टेबली लगा सकते हैं. इस तरीके से बहुत ही सिंपल टू यूज़ है. ये आप इसको ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद में यहाँ पर एक रबर दे के रखी हुई है विच इज़ सर्कुलर इन शेप और इसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं. ये कम्प्लीटली इंटैक्ट हो गई है यहाँ पर रबर और वापस से आप इसको इस तरीके से बंद कर सकते हैं. इस रबर का क्या रोल है? इस रबर का ये रोल है कि जहाँ पर ये जो रिम लगी होती है जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ उसको हेल्प करती है सक्शन में, क्योंकि यहाँ पर रबर लगी है तो वो आपकी ब्रेस्ट को थोड़ा सा पुल करती है, सक्शन में हेल्प करती है. तो ये रबर का यूज़ है. देन इट इज़ दी कनेक्टर. ये रहा कनेक्टर जो कि आप एक मोटर में लगाएंगे एंड एक आप इस वाले पार्ट में लगाएंगे. ये दो अलग अलग साइज़ की रिम्स दी गई हैं. एक छोटी है विच इज़ 21 mm की और एक बड़ी रिम है विच इज़ ऑफ 24 mm का. देन आपको एक फीडिंग बॉटल मिलेगी विद दी लिड और ये जो फीडिंग बॉटल है दैट इज़ ऑफ 150 ml. अगर इनकेस अगर आपको ज़्यादा पंपिंग करनी है, पावर पंपिंग करनी है, सो ऑब्वियसली 150 ml से अगर आपको ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो मेडेला की कोई भी बॉटल आप ले सकते हैं, वो आपकी आसानी से इस इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में फिट आ जाएगी. बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस पैक में 150 ml की बॉटल मिलती है अलॉन्ग विद द लिड. आप इसको बॉटल को पंप करने के बाद में फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाद में अगर आपको ज़रूरत होती है तो मिल्क निकालिए, वार्म करिए एंड बेबी को फीड भी कर सकते हैं. और अच्छी ग्रिप के लिए और स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने ये स्टैंड दे रखा है, बॉटल स्टैंड, जिससे कि आप इसको बॉटल को आराम से इसमें फिक्स कर सकते हैं. तो कहीं पर भी जो आपका इतना प्रेशियस मिल्क है वो कहीं पर भी गिरेगा नहीं. सो फ्रेंड्स, ये थे सारे पार्ट्स मेडेला के इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है. एक तो सुपर हैंडी है, इजी टू वॉश है, आप इसको ये सारे पार्ट्स को स्टरलाइज भी कर सकते हैं. ये जो आप मोटर देख रहे हैं, इस मोटर को हम यहाँ से पीछे से ओपन करेंगे. ये मैंने इस तरीके से ओपन किया है और ये आपने इस तरीके से निकाल लिया, ये पीछे का जो पार्ट है वो इस तरीके से निकल जाएगा. एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह बनी हुई है सेल्स के लिए,
तो बेसिकली इसमें चार सेल्स डलेंगे, दो इस तरफ डलेंगे एंड दो इस तरफ डलेंगे. सो बेसिकली मैं जब ट्रैवल करी थी तब मैं इसके मेडेला के जो सेल्स हैं, थोड़े बड़े वाले जो सेल्स आते हैं, वो मैंने यूज़ किए थे. बिकॉज ऑब्वियसली जब आप ट्रैवल करते हैं तो कार में चार्जर अडेप्टर वगैरह लगना बहुत मुश्किल होता है और ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है, तो बैटरीज को आप अपने साथ में कैरी करके लेकर जा सकते हैं. बाकी जब आपने अपने सेल्स लगा दिए तो आप इसको वापस से इस तरीके से आप इसको बंद करके एंड रख सकते हैं. नेक्स्ट इज दिस पार्ट जो कि सक्शन क्रिएट करता है. अब इस पार्ट में हमें सबसे पहले लगाना है कनेक्टर. ये हल्का सा पतला जहाँ पर इसका नॉब है वो यहाँ पर लगेगा, इस वाले कनेक्ट इस वाले जगह पर, इस वाले पॉइंट पर. तो इस पार्ट में हम इस वाले पॉइंट पर लगा देंगे. एंड जो ये इलेक्ट्रिक पंप की जो मोटर है यहाँ पर स्पेस देके रखा हुआ है. ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से स्पेस देके रखा हुआ है स्पेशली इस कनेक्टर के पार्ट के लिए. हल्का सा ट्रायंगुलर शेप होगा तो आप इस कनेक्टर को इस एंड पर आप लगा सकते हैं. ये आपने पंप में लगा दिया एंड ये आपने मोटर में आपने कम्प्लीटली लगा दिया है. नाउ व्हाट वी विल डू, अपनी ब्रेस्ट साइज के अकॉर्डिंगली आप इसको रिम को लगा सकते हैं आगे इस पार्ट पर. ये देखिए, ये इस तरीके का पार्ट है एंड पीछे ये इस तरीके की नॉब निकली हुई है रिम की. तो आप ये यहाँ पर इसको इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं. ये इतना सेफ एंड प्रोटेक्टेड तरीके से रखा हुआ है कि कहीं आप जा रहे हैं इसके रिम के कवर को निकालिए, इस तरीके से लगाइए एंड आपकी जो कम्प्लीटली रिम है वो कम्प्लीटली सेफ़ है. तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कनेक्टर के साथ में बिल्कुल रेडी हो गया है. बस अब मुझे इसके अंदर बॉटल फिट करनी है. ये मेरे पास में मेडेला की बॉटल है, यहाँ पर स्पेस है बॉटल फिट करने के लिए. मैं इसको इस तरीके से सर्कुलर शेप में ये मैंने बॉटल फिट कर दी है. मेरा ब्रेस्ट पंप बिल्कुल रेडी टू यूज़ है. बहुत ही आसान तरीका है. मोटर है मेरे पास में, मोटर से मैंने ये कनेक्टर कनेक्ट कर दिया, आगे से मैंने रिम कनेक्ट कर दी एंड नीचे मैंने बॉटल लगा दी एंड नाउ आई एम रेडी टू यूज़ दी ब्रेस्ट पंप. तो आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं कम्प्लीटली इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मोटर से स्टार्ट करते हैं. ऊपर की तरफ स्टार्ट बटन देके रखा हुआ है. सबसे पहले आपको हल्का सा ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करना है. तो इसमें क्या होता है, जब बेबी होता है, जब नेचुरली सकल करता है तो पहले स्टार्टिंग में वो धीरे 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 सकल करेगा. तो जब बेबी धीरे धीरे थोड़ा सा सकल करता है तो वो स्ट्यूमुलेट करता है ब्रेस्ट को, जिससे कि वो मिल्क आए. देन फिर उसके बाद में क्या होता है, देन फिर उसके बाद में बेबी जो है सकल करने की स्पीड जो है फिर वो तेज़ करता है, जिससे कि मिल्किंग प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है ब्रेस्ट में और फिर उसके बाद में बेबी आराम से अपने आप अपना फीड ले सकता है. तो इसमें भी स्ट्यूमुलेशन का प्रोसेस है. तो स्ट्यूमुलेशन में बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आप स्टार्ट इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्यूमुलेट करना आपकी ब्रेस्ट को शुरू कर देगा. तो धीरे 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 एक्टिवेट करेगा. देन फिर उसके बाद में अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 minutes के बाद में जब स्ट्यूमुलेट हो जाएगी, देन फिर उसके बाद में ये अपनी जो स्पीड है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर देगा. जब आपकी स्पीड वगैरह सारा इंक्रीज़ हो जाएगी फिर स्ट्यूमुलेशन पे हल्का हल्का कुछ ड्रॉप्स आपकी इस ब्रेस्ट पंप में गिरती चली जाएंगी, जो आपको आसानी से दिखेगी. एंड देन फिर उसके बाद में जब स्ट्यूमुलेशन हो जाएगा, ब्रेस्ट इज़ रेडी टू सप्लाई द मिल्क. फिर उसके बाद में आपके सक्शन से ये हल्का सा खींचेगा एंड देन फिर उसके बाद में आपकी बॉटल में मिल्क जो है वो आना शुरू हो जाएगा. इनकेस अगर आपको स्ट्यूमुलेशन या स्पीड जो है वो कम करनी है, स्ट्यूमुलेशन का ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ाना है, तो यहाँ पर ये ड्रॉप्स के फॉर्म में ये बटन दे के रखा हुआ है. यहाँ पर चार बटन है जैसे कि आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4. तो ये यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे स्ट्यूमुलेशन. अगर आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है या एडजस्ट करना है तो आप इस तरीके से इस बटन को दबा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपको मिल्किंग की स्पीड कम ज़्यादा अकॉर्डिंगली करनी है तो यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन है, तो उसकी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं. ये रहा अडैप्टर, इस तरीके से प्लग इन हो जाएगा. एंड अडैप्टर के लिए भी स्पेसिफिकली यहाँ जगह बनी हुई है मोटर में, तो इस तरीके से आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया. तो यहाँ पर मेरा अडैप्टर भी कनेक्ट हो गया है, कनेक्टर भी कनेक्ट हो गया, रिम भी लग गई, बॉटल भी फिक्स हो गई. इस पार्ट के साथ में मेरी सारी जो चीज़ें हैं वो फिक्स हो गई हैं. और ऑब्वियसली मेडेला इज़ फेमस फॉर इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है.
ईजी टू वॉश है, ईजी टू हैंडल है एंड ईजी टू कनेक्ट है. आप तुरंत है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बल्कि नहीं है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे कुछ कुछ इलेक्ट्रिक पंप्स हैं जो मैं रिसर्च कर रही थी, देख रही थी कि मुझे कौन सा इलेक्ट्रिक पंप लेना है. सो काफ़ी कुछ कुछ बहुत बल्कि भी थे, वो मुझे नहीं चाहिए थे. मुझे लाइट वेट, ईजी टू कैरी, ईजी टू हैंडल चाहिए थे एंड फटाफट से कनेक्ट करो और लग जाए. तो जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ एक दो पार्ट्स लगते हैं, तुरंत है ना आप अपना पंपिंग शुरू कर सकते हैं. अब नाउ आप हर एक एक पार्ट को ईजिली वॉश कर सकते हैं. आप ये जो पंप है, जो ये पार्ट है, आप इसको ईजिली वॉश कर सकते हैं. इनफैक्ट इसको फर्दर अगर आपको निकालना है तो इसका जो ऊपर का जो पार्ट है जिस पे हमने सिलिकन रबर जो है वो फिक्स की थी, इस पार्ट को भी निकाल लिया आपने, इस पार्ट को भी निकाल लिया, अच्छे से वॉश कर लिया. इनफैक्ट आप इसको स्टरलाइज भी कर सकते हैं. सो ये जितने भी रिम, पंप, सिलिकन रबर, बॉटल एंड कैप, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से वॉश करके यूज़ करने के बाद में एक बार दिन में स्टरलाइज करके रख सकते हैं, जिससे कि स्मेल नहीं आए सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड अगर स्मेल आती है, इन्फेक्शन वगैरह ब्रीड होता है तो विच इज़ हार्मफुल फॉर द बेबी. कौन से पार्ट आप स्टरलाइज नहीं कर सकते, वॉश नहीं कर सकते, दैट इज़ ऑफ कोर्स द मोटर, द कनेक्टर. कनेक्टर को आपको अगर वॉश करना है तो आप एक सॉफ्ट मॉइस्ट कपड़ा लीजिए, या फिर बच्चे की जो वाइप्स हैं आप उसको ले सकते हैं. तो एक वाइप ले ली, ऊपर से आपने इस तरीके से हल्का सा कनेक्टर को क्लीन कर दिया, दैट्स इट. उसके अलावा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मिल्क है वो यहाँ से इस कनेक्टर के थ्रू सप्लाई नहीं होता है. कनेक्टर का काम है कि वो पंपिंग सक्शन वगैरह क्रिएट करेगा, इसलिए कनेक्टर यूज़ होता है. एंड ऑफकोर्स यू नीड नॉट टू वॉश द अडेप्टर. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट मेडेला स्विंग फ्लेक्स इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप. अब मैं आपको इसकी प्राइसिंग बताती हूँ. सो व्हेन आई परचेज इट इन 11,000 का था. अभी कुछ ऑफ्स या कुछ ऐसे ऑफर्स वगैरह चलते हैं ऑन फर्स्ट क्राई, अमेजन वगैरह पे, तो आपको 10,500 से 11,000 के बीच में आराम से मिल जाएगा विद 1 ईयर ऑफ वारंटी. तो यहाँ पर 1 साल की वारंटी भी मिलती है. इनकेस किसी भी पार्ट में, मोटर में अगर ख़राबी आती है, दिक्कत आती है, तो आप डेफिनेटली उनके सर्विस सेंटर पे कॉल कर सकते हैं एंड दे विल हेल्प यू आउट. सो फ्रेंड्स, ये था डिटेल रिव्यू ऑफ मेडेलाज इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप. होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.